ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सरगुजा के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने को लेकर किया आंदोलन। अगली खबर धौलपुर से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन बाइक सवार हमलावरों ने वाहन वॉशिंग सेंटर पर बोला धावा। साथ ही अगली खबर खूंटी से है, जहां 3 किलो 600 ग्राम अफीम और नकदी के साथ अफीम तस्कर हुआ गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सरगुजा जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने को लेकर किया आंदोलन और हड़ताल करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों का पिछला 3 माह से तनख्वाह नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई, जहां स्वास्थ्य कर्मचारी अपने जेवर गहने रखकर अपनी दिनचर्या का निर्वहन करने के लिए मजबूर हैं। वहीं उनकी मांग पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में हड़ताल करने की चेतावनी भी दी गई है। उधर ब्लॉक खंड चिकित्सा अधिकारी ने फरवरी के पूर्व इसकी जानकारी राज्य शासन को दी थी, बावजूद इसके अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण स्वास्थ्य कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से राज्य शासन को इसकी जानकारी दी जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित एवं जिला अध्यक्ष प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सरगुजा तथा खंड चिकित्सा अधिकारी अंबिकापुर ग्रामीण क्या कुछ कहा। मैं धनेश प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। हमारे दरिमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फरवरी माह से डीडीओ रुकने के कारण आज मई महीना होने के पश्चात 3 माह का वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन नहीं मिलने के कारण यहाँ के कर्मचारी आक्रोशित हैं और कई प्रकार से परेशान हैं। सभी कर्मचारी आर्थिक रूप से तंगी में हैं और इधर उधर हाथ मार के अपना जो बहुत लोग लोन लिए हैं, लोन पटाने के लिए प्लस बच्चों का फीस है ना, ब्याज पे पैसा लेने पे भी मजबूर हो गए हैं। पर हमारे अधिकारियों के कान में जू भी नहीं रेंग रहा है। आज दिवस तक उन लोगों के द्वारा क्या पहल किया गया, हम छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ को नहीं बताया गया। और आज दिनांक तक हम लोग को वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई हमारे पास। आपको एक जानकारी और दूंगा, हमारे साथ महिला वर्ग बहुत ज़्यादा हैं, NM हैं, स्टाफ नर्स हैं, जो अपने आर्थिक परेशानी के कारण जेवर तक बेचने को मजबूर हो गए हैं। अगर हम आपके माध्यम से चाहेंगे शासन प्रशासन को तत्काल सूचना दें कि हम कर्मचारियों का वेतन तत्काल मिले। विरोध अभी देखे सांकेतिक आज धरना प्रदर्शन किए हैं, पर 5 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पे उतारू हो जाएंगे। काम बंद कलम बंद, इससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरिमा के अंतर्गत आने वाले सभी PSC CSC और उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहेंगे। यहाँ लगभग 250 कर्मचारी हैं। मैं खंड चिकित्सा अधिकारी अंबिकापुर ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग। कर्मचारी हड़ताल पर है, असल में हम लोग का नया DDO चालू हुआ था पिछले वर्ष में, जिसका समाप्ति फरवरी 29 को होना था। 22 फरवरी को हमारे यहाँ जो अकाउंट सेक्शन के द्वारा लिखित में सूचना दी गई संचालक महोदय को कि भाई हम लोग का DDO बंद हो जा रहा है, उसको खुलवाएंगे समय पर। वहाँ संचालक महोदय के द्वारा लिखित में सूचना दिया गया ACS को, जो अपर मुख्य सचिव रहते हैं, और अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिया जाना था AG ऑफिस को। AG ऑफिस में वहाँ से सूचना गया नहीं, जिसके चलते DDO कोर्ट खुल नहीं पाया। बाद में क्या हुआ कि इंतज़ार करते रहे, फिर दूसरी चिट्ठी भी डालें, और दूसरी चिट्ठी डालने के बाद भी जब पता नहीं चल पाया कि हम लोग का DDO कोड नहीं खुल पाया, तो हमारे अकाउंट सेक्शन से जो उसका प्रभारी है नवीन कश्यप, इनको भेजा गया, और ये पुनः संचालक से मिले, अपर मुख्य सचिव के कार्यालय में भी गए, AG ऑफिस में भी गए, सभी पत्राचार फिर से पुनः किया गया, और वहाँ बार बार यही बताया गया कि भाई आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और DDO कोड जारी कर दिया जाएगा, लेकिन किया नहीं गया। इस तरीके से काम अटका पड़ा था। अभी जैसे अपर मुख्य सचिव का यहाँ प्रवास हुआ था शनिवार को भी मिले, उनको जब यह बताया गया तो बोले कि मेरे को इसका संज्ञान है, इस बात का कि सैलरी नहीं मिला है, और इसको मैं मतलब अविलंब जारी करूँगा। तो आज मंडे है, कार्य दिवस है, शनिवार छुट्टी थी, रविवार छुट्टी थी, आज कार्य दिवस है, तो आप देखते हैं शाम तक
उनके द्वारा प्रशासन दिया गया था, उनके द्वारा सेक्शन का प्रभारी वहाँ जो अपर मुख्य सचिव का है सामने ही फ़ोन किया गया था कि भाई इस प्रकरण को देखें और आज के लिए बोलने के लिए बोले थे। वेतन ना मिलने के कारण हमारे महिला वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, और इतना परेशान है कि अपना जेवर बेचना पड़ रहा है, किसी से मांगना पड़ रहा है, जिस कारण अधिकारी कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, ना कभी बात किए ना कुछ किए, और महिला वर्ग सबसे ज़्यादा है यहाँ। हम अगर काम बंद कर देंगे सबसे ज़्यादा गाँव वाले परेशान हो जाएंगे, हमारा सब सेंटर बंद हो जाएगा, जिस कारण ना अधिकारी पूछे हैं ना कुछ किए, जिस कारण हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, आगे जाकर हड़ताल करेंगे 5 तारीख से। मेरा नाम लक्ष्मी बैरागी, मैं सब सेंटर। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राम कुमार की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां जिले होकर गुजर रहे NH 44 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन बाइक सवार हमलावरों ने वाहन वॉशिंग सेंटर पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने लाठी डंडों से सेंटर में तोड़फोड़ कर फायरिंग कर दी। KGN कार धुलाई सेंटर के संचालक सलमान खान ने बताया कि वो आज दोपहर के वक्त अपने सेंटर पर बैठा हुआ था, उस वक्त लेबर वाहनों की धुलाई का काम कर रहे थे। उसी दौरान करीब आधा दर्जन बाइकों पर सवार होकर एक दर्जन से अधिक लोग पहुंच गए। वहीं बता दें कि हमलावरों ने लाठी डंडों से तोड़फोड़ कर उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद हमलावरों ने फायरिंग कर दी। हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग में सलमान घायल हो गया, उसके हाथ के पंजे में गोली लग गई। हाईवे पर हमलावरों ने करीब 20 मिनट तक उपद्रव मचाया और उसके बाद हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची निहालगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मौके से चले कारतूस बरामद कर इलाके में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं लग सका है। घायल सेंटर संचालक सलमान खान ने हमलावरों के खिलाफ पुलिस थाने पर मामला दर्ज करा दिया है। मामले को लेकर पुलिस उप निरीक्षक गंभीर सिंह ने बताया कि दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग की है। हमला करने पहुंचे लोगों ने वॉशिंग सेंटर पर फायरिंग की। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस उप निरीक्षक गंभीर सिंह और घायल सेंटर संचालक सलमान का क्या कुछ कहना है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि मैं बैठा था अपनी दुकान के पास, ये लोग आए थे 15 से 20 लोग थे, 6 से 8 मोटरसाइकिल थी। उन्होंने आते के पहले गोली चलाई है, फिर उन्होंने लठियाबाजी करी है, मेरे हाथ में गोली लगी है, ये गोली छिलके गई है मेरे हाथ से और वो फिर भागे हैं। वहाँ पुलिस को उनके राउंड भी मिले, एक भरा हुआ राउंड मिला, एक खाली मिला हुआ है और 2 राउंड मिले, उन्होंने 4 फायर करे। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान नाम है मेरा। कहीं की दुकान है आपकी? मेरी कार वॉश की दुकान है। क्या नाम से? KGN कार धुलाई सेंटर। कौन सी जगह? मारवा मोटर्स के सामने। जी सर, क्या आज दिनांक 27/5/2024 को समय करीब 11:15 बजे सूचना मिली थी कि दो पक्षों में पुराने विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया है। मौके पर पहुंचे हैं और पीड़ित सलमान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें फायरिंग की भी सूचना है सर? हाँ, फायरिंग की सूचना। कितने राउंड फायरिंग है सर? 1 राउंड। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आसमान से बरस रहे शोलों के बीच जिले का तापमान सोमवार को 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। भीषण गर्मी और तेज तपन की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। बाजार और सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है। भीषण गर्मी और तेज तपन ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहीं गर्म हवा और लू के थपेड़ों ने आवागमन की रफ्तार को काफी कम कर दिया है। भीषण गर्मी में लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। बाजारों में दुकानदारी पर भी इसका असर साफ दिखाई पड़ रहा है। दुकानदार बाजारों में दिन भर खाली बैठे रहते हैं। भीषण गर्मी की वजह से बिक्री भी प्रभावित हो रही है। जूस, कोल्ड ड्रिंक, फल आदि, पेय जल पदार्थ की बिक्री एकदम जोर पकड़ रही है। भीषण गर्मी की वजह से मौसमी बीमारियां भी फैल रही हैं। जिला अस्पताल में डायरिया एवं उल्टी दस्त के मरीजों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। तापमान में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सक फिजिशियन डॉक्टर रामकेश परमार ने बताया कि मौजूदा वक्त में गर्मी से हालात बेकाबू हो रहे हैं। भीषण गर्मी एवं तापमान से बचाव की लोगों को सख्त जरूरत है। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर खूंटी से, जहां बुंडू थाना क्षेत्र के ताऊ मोड़ के पास बुंडू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 किलो 600 ग्राम अफीम और 40,000 रुपए के साथ सिंटू कुमार को बुंडू पुलिस ने गिरफ्तार किया।
सूचना थी कि अफीम तस्कर सिंटू कुमार हजारीबाग बड़का गांव के रहने वाला है और कई वर्षों से बुंडू क्षेत्र से अफीम की तस्करी करता था। जैसे ही बुंडू पुलिस को पता चला सिंटू कुमार अफीम खरीदने के लिए बुंडू आ चुका है, उसके पीछे पुलिस को लगा दिया। जैसे ही सिंटू अफीम खरीद कर बस पर चढ़ने वाला था कि बुंडू पुलिस ने ताऊ मोड़ के पास से सिंटू कुमार को 3 किलो 600 ग्राम अफीम, 40,000 नगद रुपए और एक मोबाइल के साथ धड़ दबोचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंटू कुमार के साथ और कौन कौन है जो अफीम की खरीदारी करते हैं, अफीम तस्कर सिंटू कुमार से बुंडू पुलिस पूछताछ कर रही है। रांची से सीनियर संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के खुटौना थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब क्षेत्र में आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे अपराधियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। 4 अपराधियों को आर्म्स चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दबोच लिया गया। हालांकि गुप्त सूचना पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान 2 अपराध कर्मी मौके पर भागने में कामयाब हो गए, जिसकी तलाश जारी है। वहीं अपराधियों में 2 नाबालिग युवक भी शामिल हैं। अपराधियों के पास से 1 देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया है। थानाध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस दल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 अपराध कर्मी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष के साथ पुलिस अवर निरीक्षक सुनंदा कुमारी, प्रिया रानी, चौकीदार घुरन चौपाल व अन्य शामिल रहे। और प्रेस वार्ता कल शाम में करीब 9 बजे के आसपास एक गुप्त सूचना मिली थी कि छपरा पट्टी चौक जो है उसके पास जो है नहर की ओर जाने वाली जो सड़क है, उस सड़क के करीब बागीचे में 6-7 लोग जो हैं वो आपराधिक किस्म के प्रतीत होते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी घटना का अंजाम दे रहे हैं जिनके पास कुछ चाकू, डैगर, ये सब चीज़ें जो हैं वो देखी गई थी। और जब पुलिस को जब इस संबंध में सूचना मिली तो खुटौना पुलिस जो है त्वरित जो है मौके पर गई और मौके पर जाने के बाद जो है वहाँ 4 लोग जो है तुरंत जो है गिरफ्तार किए गए। 2 लोग भागने में सफल रहे। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास जो है वो कुछ दिन पहले ही जो है यहाँ कांड दर्ज कराया गया था 39-24 और जो है एक कांड 68-24। 2 कांडों में जो बाइक जो है चोरी की गई थी वो बाइक जो है बरामद किया गया। 1 लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया, 4 जिंदा कारतूस है, बता ही चुके हैं, 5 मोटरसाइकिल है, 4 मोबाइल है, ये सब चीज़ें जो है बरामद। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।